मंडला पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं फ्रॉड की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नैनपुर द्वारा धोखाधड़ी के प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। चौकी अंजनिया में आवेदिका श्रीमती अनुराधा पटेल निवासी ग्राम मान चौकी आकर एक लिखित आवेदन पत्र में बताया कि ग्राम अतरिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ है तथा दिनांक 19 अप्रैल 2024 को उसके मोबाइल नंबर पर किसी का फोन आया। उक्त व्यक्ति अपने को महिला बाल विकास विभाग संचालनालय भोपाल में डिप्टी डायरेक्टर होना बताया और बताया कि महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति होना है जिसमें आपका नाम भी चयनित है। इसके लिए आपको 2 लाख रुपए देना होगा और 60,000 अभी देना है, बाकी के रुपए माह जून में लिस्ट आने के बाद देना होगा। तथा यह भी बताया कि मेरे ऑफिस का बाबू सोमनाथ चौधरी जिसका फोन नंबर में पैसे डालना है, तब मैं उक्त व्यक्ति के झांसे में आकर मैंने अलग अलग 3 बार 60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। रखिए देश के हर शहर हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।